नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। आज गोरखपुर से सीएम योगी ने हुकार भरी है, जहां योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर माफियाओं को खुली चेतावनी दी, बताया तब के और अब के उत्तर प्रदेश का हाल। ऐसे में माफियाओं को क्या दी है योगी ने चेतावनी, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी दलों का नाम लिए बगैर उन पर जोरदार हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि जातिवाद की राजनीति ने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर रखा था, इसने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। इसी जातिवाद की राजनीति ने माफिया पैदा किए। ये माफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा करते थे, व्यापारियों के व्यापार को जबरन हड़प लेते थे। सीएम योगी ने आगे कहा कि प्रदेश की जनता ने जातिवाद की राजनीति करने वालों को नकारा है। 6 साल पहले सीना तान कर चलने वाले माफिया अब गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांग रहे हैं। सीएम योगी शुक्रवार शाम राप्ती नगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले व्यापारियों से रंगदारी वसूली जाती थी, जबकि आज स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया जाता है। व्यापारियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर किया जाता है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार जो पैसा देगी उसका इस्तेमाल बिना भेदभाव के होगा। इसके लिए सभी निकायों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत का बोर्ड बनाना होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने विधानसभा चुनाव में वो एक भी दिन प्रचार करने नहीं आए, अन्य क्षेत्रों के चुनाव प्रसार में सीएम योगी व्यस्त रहे, तब भी यहाँ की जनता ने उन्हें 1 लाख वोटों से जिताया। इसके लिए वो यहाँ की जनता के शुक्रगुजार है। यहाँ का हर मतदाता हमारे चुनाव को अपना चुनाव मानता है। सीएम योगी ने कहा कि इसी अपनत्व से उनकी हर समस्या मेरी खुद की समस्या हो जाती है और इसके निदान के लिए मैं जी तोड़ प्रयास करता हूँ। यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहां उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। जाहिर है यूपी की जनता में माफियाओं के खौफ के खत्म होने की खुशी है और सीएम योगी ने इसी एडवांटेज को चुनाव प्रचार में सबके सामने रखा है। ऐसे में सीएम योगी का माफियाओं पर एक्शन निकाय चुनाव में कितना रंग लाएगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।